प्रधानमंत्री की बात पे एक बात याद आती है गोपाल जी। अब सबसे बड़ी बात, बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही थी कि उन्होंने दिल्ली में सीएम कैंडिडेट का कोई चेहरा घोषित नहीं किया था, जिसका खामियाजा शायद अब भुगतना पड़ रहा है। और सवाल यही उठ रहे थे कि आखिर मोदी के चेहरे पर कब तक चुनाव लड़ा जाएगा? आप विधानसभा के चुनाव भी मोदी के चेहरे पर लड़ना चाह रहे हैं, आप लोकसभा का चुनाव भी मोदी के चेहरे पर लड़ना चाह रहे हैं, किसी भी राज्य में भाजपा के साथ देखिए दिक्कत यही है। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर जगह वो मोदी को ही इस्तेमाल करना चाहती है। मोदी और अमित शाह, यानी मोदी चूंकि सर्वमान्य चेहरा भाजपा में है अभी, तो भाजपा में कहीं भी मोदी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मोदी मोदी यानी भाजपा में एक जबरदस्त ये जो रुझान, और यही सबसे बड़ी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ेगी। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, सफलता के शीर्ष पर भाजपा है, लेकिन कल यानी ये जो वक्त है वो ठहरता नहीं है कभी। वक्त का पहिया यूँ घूमता रहता है। कांग्रेस में भी हमने देखा कि नेहरू का भी एक समय था, स्वर्णिम काल था, इंदिरा जी का काल रहा, राजीव का काल रहा, अटल जी का काल रहा, सबका। लेकिन दौर जब खत्म हो जाता है उसके बाद क्या है, विकल्प तो तलाशना होगा। भाजपा अब तक किसी भी स्टेट में अपना विकल्प तलाशने के मूड में नहीं है, केंद्र में अपना विकल्प जो मोदी जी की बात कर रहे नहीं है, हर जगह मोदी। तो लोग देखिए झारखंड में क्या हुआ, मोदी को नकार दिया, अमित शाह को नकार दिया, भाजपा को नकार दिया, राजस्थान में भी हुई हुआ, अब दिल्ली में वही हुआ है। तो भाजपा को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा कि मोदी मोदी का नाम का सहारा जो है बहुत लंबे अरसे